नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं दो फिल्मों की सिफारिश करने आया हूं आपसे। एक तो है बुलबुल और दूसरी है भोसले। बुलबुल नेटफ्लिक्स पर आ रही है और फिल्म का निर्देशन अनविता दत्त ने किया है। भोसले सोनी लिप पर आ रही है और उसका निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। अनविता दत्त की यह पहली फिल्म है। इसके पहले वह लिखती रही हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है उन्होंने। पहली बार निर्देशन में उतरी हैं और इसका निर्माण अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा ने किया है। क्लीन स्लेट फिल्म उनकी कंपनी है। अब देखें कि कैसे पहली फिल्म में कोई निर्देशक और लेखक इतना प्रभाव छोड़ता है, इस तरीके से उस परिवेश को, उस समय की सामाजिक सच्चाई को, उस समय की पतनशील संस्कृति को, पतनशील परंपरा को, उस परिवेश में जाकर के, उस माहौल में जाकर के एक पीरियड फिल्म की तरह प्रेजेंट करता है। और बहुत तामझाम की तरह इसे नहीं किया गया है, जैसा कि पीरियड फिल्मों में हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बंगाल के लोकल और रियल लोकेशन पर जाकर इसको शूट करने की कोशिश की गई है और किया भी गया है। जो जमींदार का घर है, उसको हवेली कह लें, प्रसाद कह लें, जो भी कहें, जितना विशाल और जिस तरीके से वो लगातार अपने प्रभाव में, अपनी ज़रूरतों के कारण लगातार छीज रहा है, वहाँ कैसे अत्याचार का सिलसिला जारी है, कैसे औरतों का दमन जारी है, कैसे उस परिवेश में जमींदारी उजड़ने के बावजूद पारिवारिक मूल्यों के नाम पर, सामाजिक मूल्यों के नाम पर, औरतों के प्रति रवैये के नाम पर वही सारी चीज़ें बदस्तूर जारी हैं। और जब उसके खिलाफ बहुत शांत तरीके से कोई औरत एक्टिव होती है तो क्या क्या होता है। यह फिल्म देखने लायक है, इसलिए भी देखने लायक है कि जिस सूक्ष्मता के साथ और जिस किफ़ायत के साथ उन्होंने इसे पेश किया है, मैं अनिता दत्त की बार बार तारीफ़ करूंगा और साथ ही निर्माताओं की भी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और उसे लोगों के सामने लाने की कोशिश की। दूसरी फिल्म भोसले हम सभी जानते हैं कि 2 साल से बनी हुई थी लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। रिलीज़ इसलिए नहीं हो पा रही थी कि मल्टीप्लेक्स की मनमानी और उनकी पसंद नापसंद में जहाँ सिर्फ चमक दमक और लगदक स्टार की फिल्में ही चुनी जाती हैं, उन्हें ही शो टाइम, प्राइम टाइम दिया जाता है, वैसे में इस फिल्म को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी। देवाशीष मखीजा की यह फिल्म उस समय की याद दिलाती है। अगेन यह पीरियड फिल्म है, ज़रूरी नहीं है कि पीरियड का मतलब 200 साल पुराना ही हो, मुग़लों के काल में, राजपूतों के काल में लौटना हो। यह हमारी सामाजिक सच्चाई है जो 10-12 साल पहले मुंबई में घटी थी, जहां बाहरी और भीतरी का द्वंद बहुत तेज हुआ था, संघर्ष बढ़ा था और बिहारी मजदूरों को, नॉर्थ इंडिया के मजदूरों को, भैया लोगों को यहां से भगाया जा रहा था। जी हां, भैया एक संबोधन है जो उत्तर भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, खास करके जो लोग यहाँ सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। वहाँ कैसे एक मराठी मानूस जो सजग, जागरूक, कानून का जानकार और कहीं न कहीं एक सभ्य नागरिक है, वह अपने अकेलेपन और रिटायर्ड जीवन में भी किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है और कहता है, छोटे छोटे संवाद हैं, इस नाली में गंदगी भर गई है, इसे सफाई की ज़रूरत है, हमारा समाज वैमनस्य की वजह से, स्वार्थी राजनीति की वजह से,
कुछ लोगों के हित की वजह से ऐसी नाली में तब्दील होता जा रहा है। यह वैमनस्य लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देखें पैंडेमिक के दौर में हमने देखा किस तरीके से हमारा प्रशासन, हमारी व्यवस्था चरमरा जाती है जब ऐसी कोई महामारी उभर के आती है। आप पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ सुन रहे होंगे, शहर में अब यह आम बात हो गई, मुंबई में तो आम बात हो गई है, दिन भर में 10 बार 12 बार एम्बुलेंस बगल की सड़क से जाता हुआ गुजरता है। सचमुच सब कुछ इतना डरावना चल रहा है और इस डरावने समाज में भोसले ज़रूरी हस्तक्षेप करती है। इसलिए दोनों फिल्मों को देखना ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में मल्टीप्लेक्स के दौर में जब थिएटर खुले होते हैं तो इनको सही प्रदर्शन नहीं मिल पाता है, सही स्क्रीन नहीं मिल पाता है। और तब अगर ये OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी ऑनलाइन मेन स्ट्रीम पे आते हैं, तो आम दर्शकों के दिमाग में भी ये बात घुस जाती है कि ज़रूर फिल्म में कोई कमी होगी, तभी थिएटर में नहीं आ पा रही है। जबकि थिएटर में फिल्म प्रदर्शित करने की अपनी लाभकारी नीतियां चलती हैं जिसकी वजह से ये होता है। यह तो भला हो OTT का, और ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है कि जब फिल्में OTT पर रिलीज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और इस महीने ये दोनों फिल्में 2 दिनों के आगे पीछे आई हैं और इन दोनों फिल्मों ने सचमुच प्रभावित किया है दर्शकों को। जिन लोगों ने इसे देखा है वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म देखी है, ज़रूरी फिल्म देखी है। फिल्म का मनोरंजन वास्तव में क्या है? मनोरंजन को बहुत ही सीमित अर्थ में परिभाषित कर दिया गया है। मनोरंजन जब डर्टी पिक्चर में विद्या बालन कहती हैं फिल्मों में सिर्फ इंटरटेनमेंट 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 होना चाहिए, इंटरटेनमेंट सिर्फ नाच गाना नहीं है, इंटरटेनमेंट आपका इनलाइटन होना भी है, आपका विकसित होना भी है, आपकी समझदारी का बढ़ना भी है, यह भी इंटरटेनमेंट है। बात यह है कि निर्देशक और लेखक कितनी सुगम तरीके से और कितने व्यवहारिक तरीके से आप तक अपनी बात को ले आता है, कम्युनिकेट करता है। अगर फिल्म कम्युनिकेट होती है, आपको इंगेज करती है, तो फिल्म बेहतरीन है। भले ही उसमें नाच गाने हों कि ना हों, हीरोइन के ठुमके हों कि ना हों, बेड सीन्स हों कि ना हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसी फिल्में भी हैं, लोग देखते ही हैं, चलती ही रहती हैं, लेकिन ऐसी फिल्में अपवाद हैं, दुर्लभ हैं। इसलिए इन दोनों फिल्मों को ज़रूर देखें। मैं आमतौर पर फिल्मों की दोबारा सिफारिश नहीं करता, कभी समीक्षा करते समय, कभी चर्चा करते समय, कभी उस पर बात करते समय ज़रूर करता हूँ, लेकिन इस तरीके से दोबारा आकर के किसी फिल्म के बारे में नहीं कहता। तो मुझे लगता है इन दोनों फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, और यह मौका है जहां आप अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से, अपने समय से इन फिल्मों को देख सकते हैं। और देखें तो पूरी कोशिश करें कि दोनों फिल्मों को पूरा पूरा देखें। दोनों फिल्मों में कलाकारों की अदाकारी भी दिखेगी। एक में मनोज वाजपेयी ने जिस खूबसूरती के साथ गणपत भोसले के अकेलेपन को दर्शाया है, उसके आंतरिक द्वंद्व को, आंतरिक पीड़ा को व्यक्त किया है, वो कमाल है। इसी प्रकार बुलबुल में तृप्ति डिमरी क्या शानदार एक्ट्रेस के तौर पर आई, किरदार मिलता है। वास्तव में कलाकार क्या है? किरदारों पर निर्भर करता है, किरदार और जाहिर सी बात है निर्देशक। अगर ये दोनों ढंग के मिल जाएं, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वह अपना कमाल दिखा ही जाता है, और यह कमाल इन दोनों फिल्मों में दिखाई पड़ता है। इसलिए ज़रूर देखें और अपनी राय दें और बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी ये दोनों फिल्में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।